नमस्कार। पूजा में शब्दों का क्या प्रभाव है? भाई जो भी पूजा होगी होगी तो शब्दों में ही, वाक्य में होगी, मंत्र में होगी। अब उन शब्दों का प्रभाव क्या है? हम जब किसी का गुणगान करते हैं तो हम उनसे कुछ आशा रखते हैं। अगर हमें बल चाहिए तो हम हनुमान जी का गुणगान करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बलशाली हैं, बुद्धिमान भी हैं। अब हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हम सरस्वती मैया का ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हमें अब धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी मैया का, कुबेर देवता का हम गुणगान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ऐसे ही जो शब्द हम उच्चारण बार बार करते हैं, जिसका गुणगान हम करते हैं, वो हमें प्रभावित करता है और हमें उसका लाभ मिलता है। अब जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की निंदा और बुराई करते रहें, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में गलत बयानी करते रहें, गलत शब्द बोलते रहें, तो उसका हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, वो बुराई हमारे अंदर आने वाली है। हम किसी का गुणगान कर रहे हैं, उसके अच्छाइयों को बता रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो हम बोल नहीं रहे हैं, हम बो रहे हैं, और जो बो रहे हैं उसी का परिणाम आएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं से तो आ रहा है, विचारों से आ रहा है, और विचार कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? मन में उत्पन्न हो रहे हैं। और मन क्या है? मन ऊर्जा है। जो चीज ऊर्जा से उत्पन्न हो रही है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो ऊर्जा में ही परिवर्तित होगी, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में परिवर्तित होगी। ठीक है, अब जो चीज ऊर्जा से उत्पन्न हुई है ऊर्जा में ही जाएगी, यानी कि वो कभी नष्ट नहीं होगी, यानी कि वो स्टोर्ड है आपके ब्रह्मांड में, आपके वातावरण में स्टोर हो गई है, और उसका आपको परिणाम आएगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आपको परिणाम आना ही आना है। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा में हो, चाहे वैसे आम बोली में हो, चाहे आपके स्पीच में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए पूजा भी हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों में ही करनी चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स में ही करनी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने वो चीज़ें ग्रहण करते चले जाएंगे। थैंक यू।